सचिन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या भूमि पर जब हम आए, हमने यहाँ पर मुद्दों की पड़ताल करी। मुद्दा सिर्फ एक है, लोगों की जो आकांक्षा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, और एक विश्वास सा यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों की आंखों में, चाहे वो आम जन हो, चाहे संत हो, चाहे कोई अन्य हो, सबका ये मानना है कि 2019 में राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसके लिए लोग कह भी रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंदिर बनाना ही पड़ेगा। और जो संत समाज है, जब हमने उनसे बातचीत करी तो एक चीज़ जो उभर कर आ रही थी वो ये मुश्किल समझ रहे हैं कि राजनीतिक मुश्किलें मंदिर की राह में बहुत हैं, तो मोदी जी की और योगी जी की राह आसान हो इसके लिए जो साधु संत हैं वो जाप भी कर रहे हैं, मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं, ताकि उनको और शक्ति मिले और जो बाधाएं हैं राम मंदिर के निर्माण में वो दूर हों। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा, 4 जनवरी को कोर्ट क्या इस पर आगामी कदम उठाता है, इस पर भी निगाह बनी हुई है। और एक हम एक चीज़ और समझ लें कि हम भले ही दिल्ली में बहुत बड़े बड़े विश्लेषण टीवी पर देखते हैं, खुद भी करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हम आम जन है उसको भी समझें कि वो हर मुद्दे से वाकिफ़ है, कौन सी पार्टी का क्या रुख है उससे भी वाकिफ है, और कौन सी पार्टी क्या चाल चल सकती है इसके बारे में भी वो बहुत बढ़िया आकलन लगाते हैं लोग यहाँ के, और खबरों से पूरी तरह अपडेटेड रहते हैं, उनको पता है कि क्या क्या मुद्दे आने वाले हैं। अब जो लोग हैं उनके आकांक्षा तो ठीक है कि मंदिर बने, जल्द से जल्द बने, एक विश्वास है 2019 में कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो मंदिर बनाना ही होगा, क्योंकि अब लोग तारीख नहीं सुनना चाहते हैं, मंदिर कैसे बने, कब बने, इसके बारे में बीजेपी से सुनना चाहते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जो इतना अनुकूल समय अब बीजेपी के लिए नहीं हो सकता है, जब न सिर्फ प्रदेशों में, कई प्रदेशों में, उत्तर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा इस समय कांग्रेस भी शायद राम मंदिर का विरोध नहीं कर पाए, ये लोगों का कहना है, लोगों की जनभावना है। और एक जो चीज़ कही जाती है साथ में मस्जिद बनाने की, तो वो यहाँ पर हमने भी पाया कि वो पॉसिबल शायद नहीं होगी, क्योंकि आप खैर राम तो हर जगह है, कणकण में है, लेकिन आप अगर हमने खासतौर पर सरयू के इधर जब अयोध्या में सब जगह घूमे हम, कणकण में तो राम है ही, लेकिन आपको सिर्फ फिजा में यहाँ पर जो माहौल में सिर्फ राममय है पूरा। नमस्कार, प्रवास एक्चुअली न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या भूमि पर जब हम आए, हमने यहाँ पर मुद्दों की पड़ताल करी। मुद्दा सिर्फ एक है, लोगों की जो आकांक्षा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने, और एक विश्वास सा यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों की आंखों में, चाहे वो आम जन हो, चाहे संत हो, चाहे कोई अन्य हो, सबका ये मानना है कि 2019 में राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसके लिए लोग कह भी रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंदिर बनाना ही पड़ेगा। और जो संत समाज है, जब हमने उनसे बातचीत करी तो एक चीज़ जो उभर कर आ रही थी वो ये मुश्किल समझ रहे हैं कि राजनीतिक मुश्किलें मंदिर की राह में बहुत हैं, तो मोदी जी की और योगी जी की राह आसान हो इसके लिए जो साधु संत हैं वो जाप भी कर रहे हैं, मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं, ताकि उनको और शक्ति मिले और जो बाधाएं हैं राम मंदिर के निर्माण में वो दूर हों। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा, 4 जनवरी को कोर्ट क्या इस पर आगामी कदम उठाता है, इस पर भी निगाह बनी हुई है। और एक हम एक चीज़ और समझ लें कि हम भले ही दिल्ली में बहुत बड़े बड़े विश्लेषण टीवी पर देखते हैं, खुद भी करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हम आम जन है उसको भी समझें कि वो हर मुद्दे से वाकिफ़ है, कौन सी पार्टी का क्या रुख है उससे भी वाकिफ़ है, और कौन सी पार्टी क्या चाल चल सकती है इसके बारे में भी वो बहुत बढ़िया आकलन लगाते हैं लोग यहाँ के, और खबरों से पूरी तरह अपडेटेड रहते हैं, उनको पता है कि क्या क्या मुद्दे आने वाले हैं। अब जो लोग हैं उनके आकांक्षा तो ठीक है कि मंदिर बने, जल्द से जल्द बने, एक विश्वास है 2019 में कि अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो मंदिर बनाना ही होगा, क्योंकि अब लोग तारीख नहीं सुनना चाहते हैं, मंदिर कैसे बने, कब बने, इसके बारे में बीजेपी से सुनना चाहते हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जो इतना अनुकूल समय अब बीजेपी के लिए नहीं हो सकता है।